हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार इज दिस साइड। आज हम लोग एक रियल टाइम सिनेरियो देखने वाले हैं पावर बीआई के अंदर। हमारे पास ऑलरेडी सारे डेटा हैं, मैंने डेटा लोड कर लिया है और डैशबोर्ड भी मैंने क्रिएट कर लिया है, बट डेटा बहुत ढेर सारा होने के कारण मुझे अलग अलग पेजेस बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि डेटा इस तरीके से है कि आप उसको एक ही डैशबोर्ड को यूज़ करके, एक ही मेजर को यूज़ करके नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेटा है। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मेजर्स हैं उन मेजर्स को मुझे रेप्लीकेट करना है और बस उसमें एक एक दो दो वर्ड्स चेंज करने हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही रहने वाला है। तो इसको एक साथ में क्विकली कैसे किया जाए वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो आप देख सकते हो मैं अभी मॉडल व्यू के अंदर हूँ, कि मेरा मॉडल व्यू है। मैं मॉडल व्यू के अंदर एक नीचे जाता हूँ तो डेक्स क्वेरी व्यू आता है। डेक्स क्वेरी व्यू कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपके पावर बीआई के अंदर डेक्स क्वेरी व्यू नहीं आता है तो आप अपने पावर बीआई को अपडेट कर लीजिएगा। आप जाके वेबसाइट पर फिर से लेटेस्ट जो वर्जन है वो अपडेट कर लेना। एंड जब आप लेटेस्ट वर्जन अपडेट करते हो तो फाइल के अंदर जाकर ऑप्शंस एंड सेटिंग में जाकर आप चेक करिएगा, एंड देन अगेन आप ऑप्शन में जाइएगा। तो जैसे ही आपका ऑप्शन ओपन होता है आप रिव्यू फीचर में जाएंगे, एंड देन नीचे यहाँ पर राइट डेस्क क्वेरीज विद कोपाइलट, इसको आपको इनेबल करना होगा, एंड देन ओके प्रेस करके दोबारा पावर बीआई को स्टार्ट करना होगा, क्लोज करके वापस स्टार्ट करना होगा, एंड देन आपका ये क्वेरी व्यू आने लगेगा। और मैं आपको अपना वर्जन दिखा दूँ तो अबाउट में अगर मैं जाके देखूँ तो जो मेरा वर्जन है वो जुलाई अपडेट है, जुलाई 2024। तो आपका भी जुलाई या जुलाई के बाद का अपडेट रहना चाहिए। नाउ जब मेरा ये पावर क्वेरी व्यू जो है ये ओपन हो जाता है इसमें से, या फिर मैं कुछ नया कोई नया ओपन कर लिया क्वेरी, एंड देन मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ मॉडल पेन आ रहा है, मुझे मेजर पे मेजर को एक्सपेंड करना है। तो ये मेरे सारे मेजर्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सारे मेरे मेजर्स, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे मेजर्स मेरे यहाँ पर आ जाए, हमें इसको एडिट करना है। तो मैं जनरली इस पर राइट क्लिक करूँगा, एंड देन क्विक क्वेरीज पे डिफाइन ऑल मेजर्स इन दिस, आपको बस इस पर क्लिक कर दें, ये सारे मेजर्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं, जो भी मेजर्स आपने यूज़ किए हैं इसके अंदर आ जाते हैं, आपके कैलकुलेटेड कॉलम्स नहीं आते, केवल मेजर्स आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। जो नीचे इवेलुएट करके आ रहा है ये एक टेबल बना देता है जो कि सारे मेजर्स के मेजर्स को एक वैल्यू में लेकर आता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे, मतलब एक एक मेजर जो है एक एक कॉलम इंडिकेट कर रहे हैं, समराइज कॉलम्स क्रिएट करता है, बट हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, हमें तो अपडेट करना है अपने मेजर को। तो मैं इस इवेलुएट को पूरा ही डिलीट कर दूँगा, ये लास्ट ये मैंने डिलीट कर दिया। मैं थोड़ा सा कंट्रोल स्क्रॉल करके जूम कर लेता हूँ ना। अब मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से मेज़र रेप्लीकेट करने हैं, तो मैं उस मेज़र तक पहुँच जाता हूँ। मेरा जो मेज़र है वो यहाँ से स्टार्ट है, लाइन नंबर 330 से लेकर मुझे लास्ट तक स्क्रॉल करके सेव पूरा कॉपी कर लेना है, 413 ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊँगा नोट पैड ओपन करूँगा, नोट पैड प्लस प्लस अगर आपके पास है तो बेस्ट है। ये मैंने नोट पैड प्लस प्लस ओपन किया, एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो हमारे पास जो वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैदा लिखा हुआ है इस मैदा की जगह पे मुझे कोई दूसरा वर्ड लिखना है, तो वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है मेरा मेज, मुझे ये वर्ड लिखना है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। नाउ अब पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मैदा को कॉपी करके कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, एंड देन रिप्लेस पे जाकर मैदा को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड देन जो मुझे नए वर्ड लेके आने, मेज लेके आना है, तो मैंने मेज को कॉपी किया एंड देन यहाँ पेस्ट किया, एंड देन रिप्लेस ऑल। तो एक बार में ही मेरे सारे जहाँ जहाँ पर मैदा लिखा हुआ था वहाँ पे मेज हो चुका है। मैंने इस तरीके से मेजर लिखा है कि जो चीज़ चेंज हो रही है वहीं पर वो वर्ड मैंने यूज़ किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे रखना है मैदा को तो मैं उसकी जगह पर कोई दूसरा ही वर्ड रखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मैदा ही रखा हुआ है तो उसके में डिस्टर्बेंस होगा। तो मैंने इस तरीके से मेज़र बनाया है, एंड देन मैं इसको कॉपी करके वापस से जाता हूँ डेक्स क्वेरी व्यू में, एंड लाइन नंबर 413 पर एंटर प्रेस करता हूँ तो सेम लाइन पर आ जाएगा, एंड देन कंट्रोल वी, मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दी। अब जैसे ही आप पेस्ट करोगे ऊपर ये ऑप्शन हाईलाइट होने लगेगा, अपडेट मॉडल विद चेंजेस 7 मतलब क्या है, 7 मेजर्स को मैंने अपडेट किया हुआ, आपको बस इस पर क्लिक करना है एंड देन अपडेट मॉडल पे प्रेस कर देना। थोड़ा सा टाइम लेगा और जितने भी मेजर्स आपने नया क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है। आप देखोगे मेरे जो मेजर्स हैं, जो नए मेजर्स हैं मैं मेज के, वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैं वापस से अगर मॉडल व्यू में जाऊँ एंड देन ऑल मेजर्स पे क्लिक करूँ तो आप देखो ये 7 मेजर्स मेरे यहाँ पे नए क्रिएट हो चुके हैं, और जहाँ जहाँ पर मैंने चेंजेस किए थे वो सारी जगह पे मेज हो चुका है, मैदा की जगह पर। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बाकी मैं इसको सेलेक्ट करके इसको भी एक ग्रुप में डाल देता हूँ, इन सभी चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन डिस्प्ले, ये मैं मॉडल व्यू के अंदर हूँ, देन डिस्प्ले फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने मेज कर दिया, जिससे क्या होगा ये एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर होगा, तो मुझे जब मेजर रिप्लेस करना होगा डैशबोर्ड के अंदर तो मैं इजीली यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो बहुत
ज़्यादा मेजर होने पर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा मेजर मुझे यूज़ करना है, और गलतियाँ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।